माननीय नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैंने न्यूज़ के साथ, मैं हूँ हाफिज़ कुरम शहजाद। नाज़रीन, चुबुर्जी चौक में सुनहरी बैंक की बिल्डिंग सिलेंडर धमाके की वजह से ज़मीन बोस हो चुकी है, जिसमें 7 मुलाजमी शदीद जख्मी है और 1 मुलाजम जाम बाग हो चुका है। कहा यह जा रहा है गैस धमाका हुआ, लेकिन जब हमारी यहाँ पर अनी शाहिदीन से बात हुई तो उनका कहना था ये सिलेंडर धमाके की वजह से बिल्डिंग ज़मीन बोस हुई। आप देख सकते हैं कैमरामैन भी साकदा, पूरी की पूरी बिल्डिंग ज़मीन बोस हो चुकी है। और हादसे के टाइम पर बैंक बंद, बैंक जुमे की वजह से 12:30 बजे बैंक क्लोज़ हो चुका था। नमाज जुम्मा की तैयारी स्टाफ कर रहा था, जैसे नमाज जुम्मा की तैयारी में मसरूफ़ था कि धमाका हुआ, जिससे बिल्डिंग पूरी की पूरी बिल्डिंग ज़मीन बोस हो गई। यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है बिल्डिंग के मालिक, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील भी हैं ये, और इन्होंने ये बिल्डिंग उनको रेंट पे दी हुई थी, तो बाकी की जो सूरत हाल है वो इनसे जानते हैं। सबसे पहले तो मैं ये आपको अर्ज़ करूँ, मेरा नाम पीर एस ए रशीद है, मैं सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हूँ और इस बिल्डिंग का मैं मालिक हूँ, और सुनहरी बैंक जो है वो मेरा किराएदार है। इस सुनहरी बैंक के अकबी हिस्से में मेरा अपना दफ्तर है, ये सामने बोर्ड भी लगा हुआ है। तो हम हाईकोर्ट में बैठे हुए थे तो टेलीफोन आया कि जी आपकी बिल्डिंग में धमाका हो गया है। हम भागे हुए यहाँ 5-10-15 मिनट में हम ये पहुँच गए, तो मैंने देखा कि वहाँ अंदर से गैस की बू आ रही थी और बैंक के मुलाजमीन चेहरे झुलसे हुए, जले हुए, कपड़े जल रहे थे। तो उनको 1122 वाले जो हमारे पहले आने से पहले आ चुके थे वो उनको निकाल रहे थे। तो उसके बाद हम देखे तो ये तो बड़ा अच्छा हुआ, ये सिलेंडर धमाका हुआ है कि बिल्डिंग पहले भी कुछ थी, कंस्ट्रक्शन होने वाली थी कि बिल्डिंग बिल्कुल नहीं, बिल्डिंग बड़ी खूबसूरत थी, बिल्डिंग की इन्होंने इंश्योरेंस करवाई थी, साइट इंस्पेक्शन करवाई थी, और वहाँ से इंजीनियर ने ये लिखा था, ये जब इनको दी है सुनहरी बैंक वालों को, उन्होंने लिखा था कि 20 साल तक इस बिल्डिंग में कोई कील ठोकने की भी गुंजाइश नहीं है, बड़ी स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग, बिल्कुल ओके है, परफेक्ट है, एब्सोल्युटली ओके, एब्सोल्युटली ओके, सिर्फ ओके नहीं, एब्सोल्युटली ओके। और उसके में पीछे मेरा दफ्तर था। तो इतना ज़ोर से धमाका हुआ है यहाँ कि इस हाथ वाली बिल्डिंग हिल गई। ये मेरा जो दफ्तर है इसके अकबी हिस्से में वो जो तकरीबन 20-25 फुट पीछे है और उसके दरमियान फासला है खुला, तो वो इस कदर धमाके से ये बिल्डिंग गिरी है कि पीछे मेरा दफ्तर भी गिर गया। वो तो खुदा का शुक्र हम वहाँ मौजूद नहीं थे और जुमे का दिन था, तो वो वहाँ मेरी सारी कीमती किताबें, मेरा फर्नीचर, मेरा दफ्तर, टेलीफोन, शेलफोन सारा वो तबाह। मेन वजह क्या हुई है धमाके की, किस तरह जमीन बिल्डिंग जमीन बोस जानता है? मेरे ख्याल में यही हुआ है कि मेरी मर्ज़ी के बगैर, मेरे इल्म के बगैर, मेरी टोटल इन्फॉर्मेशन के बगैर ये बैंक वालों ने शायद कोई अपने, ये तो मालूम है मुझे कि किचन था बनाया हुआ इन्होंने, उस किचन में ये कोई इन्होंने सिलेंडर रखा होगा, गैस सिलेंडर जिससे वो चलाते थे उसको, उसमें कोई धमाका हुआ, इतना शदीद धमाका। तो और बाकी जो रह गई है बाहर वाली गैस पाइप, वो आप देखेंगे। हाँ जी, कह रहे हैं जी बाहर से पाइप जो गैस पाइप लाइन है वहाँ से हुआ है, लेकिन आप कह रहे हैं अंदर से हुआ है। गैस पाइप जो बाहर से ही है वो यहाँ से 40-50 फुट के फासले पर है, और जो ये कह रहा है कि गैस पाइप बाहर की वजह से हुआ है, उससे पूछें कि गैस वाली बाहर की पाइप जो है उसका अंदर तक जाने का कोई इनको निशान मिला है? कनेक्शन नहीं है गैस का, कोई कनेक्शन? नो कनेक्शन, नो कनेक्शन मेरे अंदर, ना मैंने गैस पाइप गैस के लिए अप्लाई किया, ना वो मेरा लगा हुआ था, मैंने तो कभी लगवाया ही नहीं। और तो अंदर से अगर गैस पाइप या कुछ हो, गैस की बू आ रही थी, तो गैस अभी कितने हलाकते हो चुकी हैं और इंजर्ड कितने, जख्मी कितने, ये मुझे नहीं पता। मैं तो यहाँ उसके बाद यह बैठा हूँ तो ये खून आलूद कपड़े हैं जले हुए, आप देख लें। तो ये लोग अंदर से जो निकले हैं उनकी कुर्सियाँ जली हुई हैं, उनके कागज़ जले हुए हैं, उनका और बेसिक मटेरियल जला हुआ है, वो अंदर से जले हुए लोग निकले हैं।
जिनके ये सारे कपड़े जले हुए और सारी चीज़ें ये पड़ी हैं शदीद जख्मी हालत में, तो गोया वो आग तो अंदर से लेकर आए, आग बाहर से अंदर नहीं गई, आग तो वो लेकर अंदर से आए हैं। तो ये अब मैं क्या कहूँ, मेरा तो ख्याल है जी, बहुत शुक्रिया, सिलेंडर के फटने से ये वाक़या हो।